लाइफ इज़ गुड, आई एम हैप्पी। अभी अभी शोज़ रिलीज़ हुए हैं तो उसका अप्रिसिएशन चल रहा है, तो हम इन्जॉय करते हैं ये मोमेंट। अगर कहो, अगर आपको लग रहा है एनर्जी है, तो वो है कि थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, अपना वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरा एक रूटीन है। और शाम को वॉक पे करता हूँ, और बहुत डिसिप्लिन काइंड ऑफ रूटीन है, एकदम नॉर्मल। कुछ करना है तो फ्राइडे सैटरडे के लिए छोड़ा हुआ, बाकी सब ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहते हैं, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो कैसे मैनेज करते हैं अभी रूटीन को, कैसे, क्योंकि एक्टर लाइफ बहुत बिजी लाइफ होती है, व्हेन यू आर वर्किंग, सो टाइम्स को लेकर, टाइम को लेकर कुछ नहीं होता, सो हाउ डू मैनेज? मतलब एक्टर, अब तो मेरे को बहुत साल हो गए, मतलब 23 ईयर्स हो गए हैं, तो अब हमें ये लगता है ये हमारा प्रोफेशन है, इसके लिए हमें हमेशा फिट रहना है, हमेशा फिटनेस पे काम करना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी तैयारी करता रहना है। और अब हम इन्जॉय करते हैं, कई सालों बाद काम करने के बाद अब हम इन्जॉय करने लग गए हैं फील, तो इसलिए अब अच्छा लगता है। जब इन्जॉयमेंट हो जाता है आपका काम, तो फिर लाइफ अच्छी हो जाती है। तो अब उसको मेंटेन करने के लिए हम सुबह अपना सारा रूटीन, शाम को रूटीन, और टाइम पे सोने का रूटीन करते हैं, तो एनर्जी अपने आप मेंटेन रहती है। फिर सिनेमा वैसे ही कि सर बदल गया क्या? सिनेमा, सिनेमा तो हम तो जब आए थे बॉम्बे, तो हम तो अमिताभ सर की फिल्में देख देख के आए थे, संजीव कुमार वगैरह से इंस्पायर्ड थे। फिर यहाँ आए तो हम, गोविंदा का दौर चल रहा था सिनेमा का, जो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमें फिर कुछ खिलाड़ी नंबर 1 आती थी, खिलाड़ी नंबर 2 आती थी, हमें नहीं समझ में आती थी। जिस तरह की फिल्में हम देखकर बड़े हुए थे, वो तो बननी बंद हो गई थी। तो सारा मार धाड़, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ था। पर फिर कुछ अच्छे कंटेंट की फिल्म्स बनी, उनमें हमने भी काम किया और फिर उसके भी पार्ट रहे। अब समझ में आता है, फिल्म इंडस्ट्री में चेंजेस आते रहते हैं विद टाइम, आपको अपने को उसके अकॉर्डिंगली ढलते रहना पड़ता है। बस आप उसके पार्ट ऑफ इंडस्ट्री के, ये परिवार है एक फिल्म लाइन, उसके साथ आप चलते रहो, बदलते रहो और काम करते रहो। तो आप अभी ज़्यादा एंजॉय करते हैं या फिर वो टाइम? नहीं, अब ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तब तो बहुत अनसर्टेंटी थी, पता नहीं था काम ठीक है गलत है, आपको नहीं पता होता था कि फील्ड में भी राइट आए हो या नहीं आए हो। कई सालों बाद जब आपको पता होता है, कई हिट प्रोजेक्ट्स के आप पार्ट हो गए होते हो, कई हिट फिल्म्स हो गई होती हैं, हिट सीरीज़ हो गई होती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि किसी चीज़ को हिट करने में क्या चीज़ों का योगदान होता है। तो वो एक सीक्रेट पता चल जाता है, देन यू आर हैन हैप्पी सॉन्ग। सर, नो डाउट आपने भी काफ़ी काम किया, सो आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके मज़ा आया? एक्टर्स में तो मुझे रणवीर सिंह के साथ तो बहुत ही मज़ा आया, और हर कोई कहेगा जो एनर्जी है उसमें, तो दिल धड़कने दो। टाइम हम मिलते थे तो कहता चोपड़ा जी एंडी विलाग भी, तो बहुत ज़्यादा, तो उसको, उसका मैं इंस्पायर्ड भी बड़ा हुआ। और मैंने कई यंग लड़कों को कहा कि जब शूटिंग ख़त्म हो जाती थी, दिल धड़कने दो के टाइम, तो शिप में वो अपना जॉगिंग करता था, मतलब इतना एनर्जी। और मैं बोलता था अरे थोड़ा रेस्ट कर, बोलता सर अपनी फिल्म है, मेहनत करनी है। सो ही इज़ द वन गुड गाय आई वर्क विद। देन फरहान अख्तर ऑब्वियसली उसी फिल्म में थे। देन आई लव्ड वर्किंग विद अक्षय सर, अक्षय सर के साथ मैंने एयरलिफ्ट में काम किया था। लाइक सैफ अली खान है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनके साथ मैंने शेफ फिल्म में काम किया था। इज़ अ टू नाइस गाय, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर उनसे बात करने के लिए आपको उतनी इंटेलिजेंस चाहिए, तो थोड़ा मैं पीछे हट गया था। और देन अनिल जी हैं, और अभी तो मतलब औरों के साथ, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हमने काम किया शेरशाह में, तो वो भी एक बड़ा हैंडसम स्मार्ट एक्टर है, तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आया काम करके। आलिया, आलिया, हाँ आलिया के, तो अब एक्ट्रेसेस की बात करेंगे तो आलिया के साथ काम करने के लिए ही मैंने कलंक में उसके फादर का रोल किया था, और कोई रीज़न नहीं था। कि मुझे वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं कि मैं उनसे काम कैसे करती हैं, और मैंने उनसे सीखा है कि कैसे काम करती हैं, तो बहुत अच्छा वो, तो शी इज़ वन ऑफ द फ्यूचर में हमारे लिए शायद सबसे ब्राइट अगर कोई एक्ट्रेस होगी तो वो आलिया ही होगी। टेलीविज़न तो बहुत ख़तरनाक था, पर उसने हमें बहुत कुछ दिया है, आइडेंटिटी दी है, हमने वहाँ से काम सीखा है, और हमें फाइनेंशियली भी सिक्योर किया है। बहुत टफ़ काम है, टफेस्ट फील्ड तो मुझे टीवी लगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड उतना नहीं है, उनको टेलीकास्ट का जो उनका प्रेशर है उसमें काम करना पड़ता है। हम उसके लिए भी सही हैं, मुझे बहुत, मैंने तो बहुत साल गुजारे हैं टीवी में, बहुत कुछ दिया है टीवी ने मेरे को। और जब OTT में आए, OTT में हमारे पास ये एड्स वाले और टीवी वाले और फिल्म्स वाले, वो सब टैलेंट मिल गए उसमें,
एक संगम हो गया। तो हमने फिर वैसे शोज़ किए और फिर फिल्म्स तो हमारी फिर हो ही गई थी साथ में, तो अब हम साथ साथ फिल्म्स और OTT करते रहते हैं। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा, अगर आप मेरे कभी पुराने काम जो अभी भी गया मेरे, तो वाइट बाल की कंटिन्यूटी चल गई 4 साल क्योंकि मैं सोनू टीटू की स्वीटी में मेरे बाल पूरे ब्लैक थे, उसके बाद हमने छोड़ दिया कलर करना। फैमिली मैन 1 साल चला, कंटिन्यूटी मुझे मेंटेन करनी पड़ी। उसके बाद असुर सीजन 1 वो 1 साल चला, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ी, वो आज तक मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ रही है। अब देखता हूँ, अब मैंने चेंज किया है, अब देखता हूँ मैं अगले प्रोजेक्ट में, तो कंटिन्यूटी तो बहुत मैटर करती है। सबसे प्रॉमिसिंग मेरे लिए अगर यंग एक्टर्स में बात करेंगे तो राजकुमार राव हैं जो सबसे प्रॉमिसिंग मुझे लगते हैं, और थोड़े से सीनियर में आएंगे तो कुमुद भाई हैं, मनोज जी तो हैं ही, और ये मेरे पसंदीदा एक्टर्स हैं। तो मैं आपको अब क्या आपको क्या पसंद है, आप मोर ऑफ क्या एक्सप्लोर करना चाहिए OTT पे? अभी अभी सबको जैसे कि आप सबको पता है कि OTT एक अलग लेवल पे घूम कर रहा है, OTT जो होम प्लेटफॉर्म जो सबको पीछे छोड़ रहा है। हाँ, सो आप मैं मेरा तो यही रहता है कि जो कुछ मैंने कभी ना किया हो वो करना है। जैसे मेरा कॉमेडी में मेरा बहुत अच्छा फोर्टे है, टाइमिंग है बिकॉज ऑफ माय थिएटर बैकग्राउंड, तो थोड़े लाइट शोज़ करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे को बहुत इंटेंस रोल्स में देख लिया, हाँ वो मुझे लगता है, पर मैं सोनू टीटू में बहुत कॉमिक था, पर आई कैन मैनेज वेरी वेल। तो पर हाँ, वो मेरा लुक तो इंटेंस आता, तो इंटेंस जितना इंटेंसिटी की तो मैं लिमिट्स तक चला जाता हूँ, इतना इंटेंस कर देंगे हम चीज़ों को कि मुझे ही लगता नहीं, थोड़ा लाइट मूड चला जाए। तो अब देखता हूँ आगे क्या होता है, पर अभी भी मेरे पास जो भी रोल्स आए हैं सब हाई इंटेंस रोल है, तो आई विल वेट एंड देन आई विल टेक व्हाटएवर आई वांट टू डू। TV का तो अभी कोई प्लान नहीं है। अब मैं मतलब TV में हमने तो क्राइम पेट्रोल वगैरह सब किया है, बहुत कुछ सीखा है, पर TV के लिए मुझे लगता है कोई वक्त भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी जैसे हम कोई तेलुगु सिनेमा में अभी बिज़ी हो जाऊंगा एक तेलुगु फिल्म में दिसंबर तक, तो हम लोग TV का टाइमिंग्स और TV की डेट्स मैच नहीं कर पाएंगे। पर अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग आएगा तो आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट क्लोज्ड ऑन कि TV नहीं करना, क्योंकि TV ने बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए TV को हम नकार नहीं सकते ना। हम जब बॉम्बे आए थे तो सबसे पहले TV किया था, और TV ने हमें और काम देते गया और काम देता गया, तो हमें TV ने कभी हमेशा एक्सेप्ट किया, और उससे मुझे फेम भी मिली है सब कुछ, वहाँ से काम सीखने के बाद ही तो हम फिल्म्स और OTT में आए, तो ऐसा है। सर, और एंडिंग नोट एक चीज, अभी आपने जो मेंशन की हिसाब से तेलुगु मूवी का गया, सो वो सिनेमा कितना लग गया, वहाँ पे काम कर गया, कैसा एक्सपीरियंस आपको? वहाँ मैंने काम किया था सीतारमम में और एक बीस्ट में, दोनों ही एक साथ ही ऑलमोस्ट काम किया, और मुझे वो वर्किंग स्टाइल बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे सब मिलकर सीन करते हैं। मतलब कोई अगर सीन है तो कैमरामैन, डायरेक्टर और एक्टर, मेन एक्टर सब मिल के डिस्कस करते हैं तब सीन करते हैं। कोई ये नहीं है कि अभी रिहर्सल होएंगी, वो स्टार बाद में आएगा, वहाँ ये आएगा, वहाँ काम करने का जो कल्चर है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब दे रियली वेरी हार्ड वर्क करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, वहाँ कम्फर्ट्स नहीं हैं, कम कंफर्ट्स है यहाँ से, पर काम का जो क्वालिटी है और जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल ये कह सकते हैं जो पैशन है काम करने का वो उनमें कई यहाँ से कई ज़्यादा है, तो इसीलिए वो अच्छा काम कर पाते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक कि आइडेंटिटी अपनी बनानी कितनी डिफिकल्ट है या इजी है? किसमें? इन दिस इंडस्ट्री बहुत बहुत मुश्किल है। उसमें ये कि नो मैटर आप कितने टैलेंटेड हो, वर्सेटाइल हो, बहुत डिफ़िकल्ट है आइडेंटिटी बनना, लोग आपको पहचाने। असल में मैं जब टीवी में करता था तो मुझे लोग कैरेक्टर के नाम से जानते थे, तो वो मुझे आइडेंटिटी नहीं लगी कि मैंने एक शो में मुझे बहुत फेम मिली थी, और जब शो ऑफ एयर हो गया वो कैरेक्टर भी ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा ये तो कोई फेम ही नहीं, तो बहुत कम है। फिर मैंने TV कम करा, और जब मैं फिल्म्स करने लगा या OTT तो लोगों ने मुझे एज अ एक्टर आइडेंटिटी दी, तो मेरा एक पहचान बनी है, मुझे कैरेक्टर के नाम से नहीं, अपने नाम से पहचानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फिल्म लाइन जो है बहुत टफ है, बहुत टेस्ट करती है आपको, वहाँ काम ऐसे ही नहीं देते, वहाँ बहुत आपको बेस्ट होना पड़ता है अपने काम में। सर,
तब जाके आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है मेरी एक्सेप्टेंस फिल्म लाइन में तो हो चुकी है, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।